You okay? Papa, ye change nahi hua tha. कौन कौन जा रहा है आज घूमने? फिर से वही चार लोग। बोलो साईनाथ महाराज की जय। पापा यहाँ पर अब जोशी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह का नहीं एक्चुअली दोपहर का टाइम हो रहा है, 12 बज चुके हैं और आज है क्रिसमस, तो क्रिसमस की वजह से है सभी की छुट्टी। वैसे भी सैटरडे को ऑफ रहता है लेकिन क्रिसमस है तो कुछ स्पेशल करना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, आज मेरठ के पास ही एक जगह शुक्रताल, वहाँ जा रहे हैं। मतलब पहले भी गए हैं, कई सालों पहले गए हुए हैं हम, तो देखते हैं शायद काफ़ी चेंज हो गया होगा अभी तक तो इतने सालों में। लेकिन बस वही है कि थोड़ा चेंज हो जाएगा बच्चों का और क्रिसमस का सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। तो आज हम लोग जा रहे हैं शुक्रताल। वैसे तो अभी घूम कर आए थे इतने मसूरी वगैरह, तो ऐसा कोई मूड पहले से नहीं था, लेकिन बस वही है कि मूड बन गया है तो फिर हम लोग अभी निकल लिए हैं। और 12 बज चुके हैं तो काफ़ी लेट हो गए हैं। देखते हैं, पास बहुत दूर तो नहीं है, शायद कितना किलोमीटर है गौरव? 50 किलोमीटर बता रहे हैं गौरव की 50 किलोमीटर दूर है। तो कितना टाइम लग जाएगा, कुछ आइडिया? एक सवा घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे शुक्रताल। तो यहाँ पर हम लोग पहुंच गए मुजफ्फरनगर और वहाँ से टर्न लिया है शुक्रताल के लिए। और अभी एक घंटा दिखा रहा है शुक्रताल का रास्ता, तो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं, क्योंकि रोड बहुत पतली है और डिवाइडर भी बीच में नहीं है, तो थोड़ा स्लो ही चल रही है गाड़ी। 68 किलोमीटर पर आवर चला रहे हैं। और अभी हम पहुँच गए मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर से हमने टर्न ले लिया है शुक्रताल के लिए। तो ये मुजफ्फरनगर तो अक्सर आना होता है पर इस साइड में बहुत कम आना होता है, क्योंकि ये पूरा गांव का रास्ता है, कोई डिवाइडर नहीं है इस सड़क पर भी। पर हाँ, पीछे के गांव में जितनी रोड ख़राब थी उससे बेटर अभी आगे मिली है हमें, काफ़ी अच्छी है अभी तो। और अभी सर्दियों का मौसम है तो पता ही नहीं चलता सुबह शाम का टाइम, जैसे कि अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है शाम होने वाली है, क्योंकि धूप बहुत हल्की है यहाँ पर और मौसम भी काफ़ी फॉगी सा हो रहा है। तो देखते हैं अभी आज, मतलब शाम भी जल्दी होने वाली है तो हमें पहुंचना है, फिर सारी जगह घूमना भी है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ेंगे। और शुक्रताल आने का हम लोग कई दिनों से सोच रहे थे, तो बस आज अचानक प्रोग्राम बन गए तो आ गए हम शुक्रताल। और शिव की मेमोरी में थोड़ी थोड़ी है, वो बता रहा था कि मम्मा ऐसा है वैसा, तो देवी काफ़ी एक्साइटेड है कि मुझे भी देखना है सारी चीज़ें। तो अभी दोनों बस वही बातें करते हुए जा रहे हैं कि मैंने बचपन में ये किया था जब मैं गया था तो। और शिव इसी एज का रहा होगा जब हम उसको शुक्रताल लेकर आए थे, क्योंकि यहाँ पर पंडित शुक्रताल में कुछ पंडित वगैरह जो कथा वगैरह करते हैं ना, वो लोग काफ़ी आते रहते हैं। तो मेरे मम्मी पापा इस ग्रुप से जुड़े हुए थे तो वो लोग आते हैं, तो बस उन्हीं को लेने आए हुए थे हम लास्ट ईयर, लास्ट टाइम जब भी आए थे। और अभी जा रहे हैं काफ़ी दिनों बाद, तो देखते हैं कैसा रहेगा। और यहाँ पर तीन मतलब दो तीन जगह हैं जहाँ देखने लायक हैं, जो कि एक गंगा का घाट है, दूसरा मंदिर है और किसी का सुखदेव जी का आश्रम भी है। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं गंगा के घाट पर। गंगा का घाट काफ़ी अच्छा था पर लोगों ने गंदा बहुत कर रखा था, मतलब वही रहता है ना लोग पूजा के बाद जो फूल वगैरह ढलते ना, उससे ये जगह काफ़ी गंदी हो जाती है। तो मैं तो लोगों से रिक्वेस्ट यही करूँगी कि कभी भी नदी में ये फूल वगैरह नहीं डालें, क्योंकि मैं कभी भी नहीं डालती हूँ, विसर्जन वगैरह का हमेशा अवॉइड करती हूँ मैं। और इतनी प्यारी जगह है कि बस मज़ा आ गया देखकर, नदी बहुत अच्छी थी, लेकिन बस वही था कि लोगों ने जो पूजा का सामान डाल रखा था वो पूरा सड़ गल गया था, उसकी वजह से काफ़ी गंदा हो गया है। तो बस यहाँ गंगा घाट पर हम थोड़ी ही देर रुके, क्योंकि थोड़ा उतना क्लीन नहीं था और देव को क्या, देव जिद कर रहा है, ऐसा बड़ों से सुनते हैं ना कि हमें अपना क्या पैर डुबाने हैं, ऐसा कुछ बोला जाता है गंगा में। तो वो बस वही कह रहा है कि मुझे अपनी उंगली डुबानी है पानी में, तो मैं उसको पानी के पास लेकर गई हूँ और वो टच करना चाह रहा है पानी, पर वो ये कि पानी बाहर तक आ रहा है तो मैंने उसको थोड़ा पकड़ रखा है और थोड़ा उसने टच कर लिया, उसकी बहुत ज़िद थी तो मैंने करवा दिया है।
और उसके बाद हो गया ब्रेक का टाइम, क्योंकि बच्चों को लगी है भूख, तो बच्चों को कुछ खाना पीना है। तो खाने में ऐसा कुछ खास नहीं था, पर हाँ जो भी था ठीक था, टेस्ट अच्छा था। तो यहाँ पर हम लोग खाने लगे हैं, थोड़ा बहुत कुछ ले लेंगे क्योंकि लंच का टाइम था, लंच नहीं किया है हम लोगों ने। तो देविक और शिव यहाँ पकोड़े खा रहे हैं और हम लोगों ने सब्जी पूरी ले ली है, तो बस वही खाएंगे हम लोग। और उसके बाद हमें जाना है हनुमान मंदिर। और इस मंदिर को, ये मूर्ति काफ़ी बड़ी है, मतलब काफ़ी दूर से दिखाई दे रही थी हमें। और इस मूर्ति के बारे में एक कहा जाता है कि ये एक टाइम में, मतलब खड़ा करने में उसको काफ़ी दिक्कत आ रही थी, तो इसके अंदर राम नाम की पर्चियां डाली गई तभी जाकर ये खड़ी हुई है। तो काफ़ी अच्छी पीसफुल जगह थी। और बच्चों को जब ये वाली कहानी सुनाई गई, ये बात बताई गई, तो वो तो काफ़ी एक्साइटेड थे इसको देखने के लिए, इस हनुमान जी की मूर्ति के लिए। काफ़ी अच्छा मंदिर था। तो यहाँ हम लोग मंदिर में आ गए हैं और मंकी बहुत हैं यहाँ पर, बहुत सारे बंदर हैं, बंदर कुत्ते वगैरह काफ़ी सारे घूम रहे हैं, तो वो बस उन्हीं को देख रहे हैं बच्चे। तो और हम लोग ने दर्शन कर लिया है यहाँ पर, तो प्रसाद वगैरह भी नहीं लिया इसी डर से, क्योंकि किसी ने लिया था तो फिर वो बंदरों ने छीन लिया, उनसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हमने नहीं लिया कि बेकार में बंदर चिपकेंगे, तो इससे अच्छा तो नहीं लो। तो यहाँ पर प्रसाद नहीं लिया है हमने और सीधा मंदिर में जाके दर्शन ही किए हैं। और ये हनुमान जी की मूर्ति बहुत अच्छी लग रही थी, इतना विशाल मूर्ति थी ना कि बस देखकर मज़ा आ गया। इतना प्यारा सा मंदिर, इतना पीसफुल जगह। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मुझे मंदिरों में बहुत अच्छा लगता है, तो इस मंदिर में भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और अब हम आ गए हैं वापस, क्योंकि शाम होने वाली है, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी में ही अपना दर्शन करके वापस आ गए हैं। और अभी हमें जाना है सुखदेव जी के आश्रम, जहाँ पर पंडित वगैरह कथा करते हैं, तो अभी वहीं जाने वाले हैं। तो सब बहुत बड़ा एरिया नहीं है, शुक्रताल काफ़ी छोटी जगह है, तो बस अपना 5-10 मिनट के डिस्टेंस पर ही सारी जगह थी। और हम यहाँ पर आ गए हैं सुखदेव जी के आश्रम में, और गाड़ी ऊपर तक ही चली गई थी, तो ज़्यादा कुछ चलना भी नहीं पड़ा हमें। और ये आश्रम का प्रांगण है, और यहाँ पर हम लोग ऊपर आ गए हैं। तो मंदिर काफ़ी अच्छा है, और इस बरगद का पेड़ काफ़ी बड़ा है। इस पेड़ के बारे में कहा जाता है 1000 साल पुराना है ये, काफ़ी पुराना है। तो बरगद के पेड़, जो लोग मेरठ में रहते हैं उन लोगों को तो आइडिया भी होगा कि ये काफ़ी पुराना, पुरानी जगह है। ये पेड़ पौधे काफ़ी पुराने, सालों पुराने हैं। तो बस हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं भगवान जी के, और हनुमान जी का मंदिर, शिव शंकर का, काफ़ी सारे भगवान जी के मंदिर एक साथ थे। और मंदिर का दर्शन करने के बाद हम लोग निकल लिए घर के लिए, मतलब मेरठ जाने के लिए। और अंधेरा भी, धीरे धीरे अंधेरा भी होता ही जा रहा है, तो फिर ये सोच रहे हैं हम लोग कि अंधेरा होने के पहले हम लोग ये गांव का रास्ता क्रॉस करके मुजफ्फरनगर का रोड पकड़ लेंगे, जो हाईवे है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अंधेरे में थोड़ा ड्राइव करने में प्रॉब्लम होती है। और ये हम लोग पहुंच गए हैं मुजफ्फरनगर वाले हाईवे पर, क्योंकि हमने क्रॉस कर लिया था, और अंधेरा होते होते ही हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं। अंधेरा हो चुका है, मतलब ऐसा हम जो लोगों ने जो सोचा था कि हम पहले पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि टाइम लग ही जाता है कहीं पर आओ तो। और ये मुजफ्फरनगर वाला हाईवे है, और इस हाईवे पर काफ़ी सारे फूड जॉइंट है, मतलब जैसे कि फूड कार्निवल वगैरह, मैकडी, तो ये सारे रास्ते में पड़ते हैं यहाँ पर आज हम कहीं भी नहीं जाने वाले, क्योंकि अभी हमें पहुँचना है घर। तो बस इसी के साथ हम इस ब्लॉग का एंड करते हैं, और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।